हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एल जी आर स्टडी इंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 12th यानी कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी के लिए ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 5 नंबर वीडियो है। भूगोल के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 4 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, तो अगर अभी तक आप इस सभी 4 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ जो आज का आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है, यानी कि किस देश के लोग जो हैं वो सबसे विकसित हैं, यह आपको बताना है। तो एक का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपका जो है नॉर्वे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नॉर्वे के लोग जो है उच्च मानव विकास वाला देश कहलाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि फूलों की कृषि कहलाती है, फूलों की खेती को क्या कहते हैं, सिंपली यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे फ्लोरी कल्चर के नाम से भी हम फूलों की खेती को जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो 3 का यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे आर्सेनिक का जो है संकेंद्रण बढ़ गया है। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पूछा जा रहा है कि शिक्षा कानून क्रियाकलाप हैं, शिक्षा और जो कानून है यह किस प्रकार का क्रियाकलाप हैं। तो 4 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे चतुर्थ क्रियाकलाप। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है, नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है, नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है, यह आपको बताना है। तो 5 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे चेकर बोर्ड, ठीक है, चेकर बोर्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, जिस ऐप पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक है, वहाँ से ज़रूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पूछा जा रहा है बीटल नामक कीड़ा किस फसल में किस फसल के बगान में लगता है। बीटल नाम का जो कीड़ा है वो किस फसल के बगान में जनरली लग जाता है। तो यहाँ पर आपका 6 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे कहवा के खेती में बीटल नाम का जो कीड़ा है वो जो है लगता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये आपका याद रखेंगे हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद शहर को कहते हैं। तो याद रखिएगा कि 7 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है वो एक दूसरे का जुड़वा शहर है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थाई पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था, किसने कहा है। तो 8 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे कुमारी सैंपल के द्वारा ऐसा कहा गया था। नेक्स्ट आप देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है। बोला गया कि मानव भूगोल जो है वो विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, 9 की भौगोलिक ज्ञान के विस्तार का कोई तत्कालिक परिणाम है, यह परिभाषा किसने दी है, यह आपको बताना है। तो 9 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे विडाल डी ला ब्लॉस ने यह परिभाषा दिया था। नेक्स्ट आप देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी, यहाँ पर जो है एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी, यह आपको बताना है। तो 10 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, रेंट जेल, किसने, रेंट जेल आप जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को, 11 नंबर क्वेश्चन है, जियोग्राफिया जनरेलिस के लेखक कौन है, जियोग्राफिया जनरेलिस के लेखक का नाम आपको बताना है, यह बुक का नाम है याद रखिएगा। तो 11 का जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे
वारेनियस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही होगा। किसने? तो वारेनियस ने यह बुक जो है लिखा था। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर 12 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे, आधुनिकतावाद के लिए 1990 का दशक जो है जाना जाता है भूगोल में, ठीक है। नेक्स्ट आप 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है, भूमि उपयोग संवर्ग कौन सा नहीं है। तो 13 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे, सीमांत भूमि। सीमांत भूमि यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा एक अनवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तो 14 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे, तापीय ऊर्जा, ठीक है। जल ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, ये सभी के सभी नवीकरणीय होते हैं, और तापीय ऊर्जा क्या होते हैं, तो अनवीकरणीय होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर आपका 15 का जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो 16 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे, पारितंत्र विकास, ठीक है, पारितंत्र विकास यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को, 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध जो है पोताश्रय है, स्थलबद्ध पोताश्रय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 17 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक का नाम आपको बताना है। तो 18 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे, रेटजेल आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है। तो 19 का यहाँ पर आपका जो है, देखिए, पर्वत जो होता है यहाँ पर आपको जनरली बताना है कि पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है। अधिवास का सिंपल सा अर्थ है आवास, आवास जैसे हम लोग जो मैदानी भाग के में रहने वाले हैं वो अपना ज़मीन पे क्या करते हैं, घर बना करके रहते हैं, उसी तरह से पर्वत पर जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है, मतलब आवास पाया जाता है। रैखिक पाया जाता है कि त्रिभुजाकार पाया जाता है कि आयताकार पाया जाता है या सीढ़ी नुमा पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पर्वतों पर जो है सीढ़ी नुमा आवास यानी कि अधिवास पाया जाता है, क्योंकि वो लोग पहाड़ों को काट काट करके सीढ़ी की तरह काट काट करके और उस पर अपना क्या करते हैं, घर बनाते हैं। और यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए रैखिक अधिवास जो है कहाँ पाया जाता है, कहाँ देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा जनरली नदी के किनारे और सड़क के किनारे रैखिक आपको देखने को मिलेगा जो आवास है वो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो 20 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ये होगा, याद रखेंगे, 15 से 59 वर्ष का जो जनसंख्या है वो कार्यशील है। कार्यशील कहने का मतलब है कि वो काम करने के लायक है, कितना से कितना, 15 से 59 वर्ष के जो लोग होते हैं वो। तो यहाँ पर आपका जो है ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर जो है इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर ही हमारे मेहनत का फल है। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए। अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यह PDF आपको वहाँ जो है मिल जाएगा। और जो लोग पहले से डाउनलोड करके रखे हैं तो वो अपडेट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।